डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको टू बी और टू हैव की वीडियोस जो है अच्छे से एक्सप्लेन कर दी हैं, जिसमें मैंने आपको टू बी और टू हैव के बीच में डिफरेंस को बताया। साथ ही टू बी के जितने भी यूजर्स होते हैं, टू हैव के जितने भी यूजर्स होते हैं, ऑलमोस्ट सारे यूजर्स हमने कवर किए। आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग टू बी और टू हैव को प्रैक्टिस करेंगे। साथ ही में एक गेस्ट को जिनको मैंने इन्वाइट किया है, ऋषभ मालविया, वो आज हमारे बीच में है। मैं उनसे पूछूंगा सेंटेंस और वो करेंगे उन्हें इंग्लिश में। आपको ऋषभ के बारे में बता दूं कि वो पर्सोना इंस्टीट्यूट का सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट रहा है। उसका परफॉर्मेंस बहुत ही डायनेमिक है। मैंने पहले भी ऋषभ को एक बार अपने स्टूडियो में बुलवाया था क्लासेस में, और उनके साथ एक वीडियो मैंने ऑलरेडी शूट किया है, और आज अगेन हमारे साथ ऋषभ मालवीय आया है, तो बहुत सारी मजा आने वाली है। स्टूडेंट्स, चलिए हम इस सेशन को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नाउ स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं कि बोर्ड पर लिखा हुआ टू बी और टू हैव का स्ट्रक्चर्स, और साथ में आप लोगों को बता दूं कि हम लोग इसको कैन के साथ, शुड के साथ कैसे यूज करते हैं, वो स्ट्रक्चर्स भी मैं यहां पर लिख रहा हूं, ताकि आप लोग जो है किसी प्रकार से भी कंफ्यूज ना हो। आप देखेंगे यहां पर मैं बी लगा रहा हूं और यहां पर मैंने हैव लगाया है ना, राइट। तो ये जो सारे सेंटेंसेस यहां पर लिखे हुए हैं, जैसे आप इसमें कहते हैं कि वह एक अच्छा लड़का है, ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का था, ही वॉज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का होगा, ही विल बी अ गुड बॉय, उसे एक अच्छा लड़का होना चाहिए, ही शुड बी अ गुड बॉय, होना चाहिए, दैट्स राइट। इसके बाद है जो चीज हमारे पास है, जैसे मेरे पास समय है, आई हैव टाइम, मेरे पास समय था, आई हैड टाइम और मेरे पास समय होगा, आई विल हैव टाइम, और तुम्हारे पास समय होना चाहिए, होना चाहिए, पास होना चाहिए, तो यू शुड हैव टाइम। नाउ आई एम गोइंग टू कॉल ऋषभ मालविया। ऋषभ, सो ऋषभ, आर यू रेडी डियर? यस सर, आई रियली ओके। नाउ ऑन द बोर्ड यू कैन सी आई हैव रिटन द स्ट्रक्चर्स ऑफ टू बी एंड टू हैव, एंड आई एम गोइंग टू आस्क यू मेनी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस टॉपिक, सो यू हैव टू ट्रांसलेट देम इंग्लिश, ओके। एंड मैं कोई जरूरी नहीं कि टू बी टू हैव पर ही बेस्ड आपसे क्वेश्चन करूं, मैं आपसे क्वेश्चन कुछ भी कर सकता हूं, इट्स अप टू मी। सो आर यू रेडी? यस। ओके, मैं अभी क्लास में हूं, एंड नाउ आई एम इन द क्लास, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, आई एम स्टडीइंग, मैं पढ़ाई करता हूँ, आई स्टडी, मैं पढ़ाई कर सकता हूँ, आई कैन स्टडी, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, यू शुड गो देयर, तुम्हें बिजी होना चाहिए, यू शुड बी बिजी, यू शुड बी बिजी, यू हैव टू स्पीक इन माइक, यस, तुम्हें अपने दोस्तों के साथ होना चाहिए, यू शुड बी विद योर फ्रेंड्स, तुम्हारे पास समय है, यू हैव अ टाइम, यू हैव अ टाइम, इज इट राइट? नो सर। सो कौन सा सही है? सर, यू हैव टाइम। ऐसा क्यों? सर, बिकॉज ऑफ इन अ टाइम वी कांट यूज इट। Yeah, it's uncountable now, right? Okay, वो स्कूल जा रहा है। He is going to school. कौन सा डांस है? Sir, he is going to school, sir, present continuous. मैं खाना खा चुका हूँ। I have eaten food. बच्चे स्कूल जा रहे हैं। The children are going to school. तुम कहाँ रहते हो? Where do you live? तुम क्या करते हो? What do you do? तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? In which class do you study? मैं fifth class में पढ़ता हूँ। I study in fifth. मैं स्कूल जा रहा हूँ। I am going to school. And student, I would say to all of you that Rishabh is from Hindi medium, right? Rishabh, in which school do you study? Sir, I study in Saraswati Shishu Mandir. Saraswati Shishu Mandir, right? He is from Hindi medium. He studies in SVM Khandwa, and within few months he has improved a lot. काफी कुछ इन्होंने बहुत बढ़िया इंप्रूव किया। इनका वीडियो एक और मैंने पहले अपलोड किया था, और आज मैंने इनको बुलाया अपने इंस्टीट्यूट पर, ये सारी चीजें आपको बताने के लिए कि प्रैक्टिस से आप कुछ भी कर सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू मोर क्वेश्चंस, ओके। आप क्या करते हो? व्हाट डू यू डू? आप क्या कर सकते हो? व्हाट कैन यू डू? मुझे क्या करना चाहिए? व्हाट शुड आई डू? मुझे नहीं पता। आई डोंट नो। क्यों? व्हाई? आप कहाँ हो? वेयर आर यू? आप क्या करते हो दोपहर में? व्हाट डू यू डू इन आफ्टरनून? मुझे नहीं पता। आई डोंट नो। मैं दोपहर में आराम करता हूँ। I relax in afternoon. I take rest in afternoon. I take rest afternoon. कौन सा dance है? Sir, present. Sir, present simple. Present simple. इसका structure क्या होता है? Sir, subject plus V1 plus object. V1 plus object. Yes. V5 भी तो लगता है इसमें? Yes sir. V5 किसके साथ लगता है? Sir, he sheet name. He sheet name के साथ V5 लगता है. Okay, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं? Children are not going to school. बच्चे इन दिनों स्कूल नहीं जा रहे हैं? Nowadays children are not going to school. तुम कहाँ रहते हो? Where do you live? तुम क्या कर रहे हो अभी? What are you doing now? तुम क्या कर सकते हो? What can you do? तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? What can you do for me? तुम्हारे पास समय होना चाहिए. You should have time. You should have time. तुम्हारे पास सब कुछ होना चाहिए. You should have everything. मेरे पास कुछ नहीं है. I am nothing. I have nothing. मेरे पास सब कुछ था. I had everything. मैं मार्केट जा रहा था। I was going to market. मैं खाना खा चुका हूँ। I have eaten food. Now I'm going to ask him question in English and he will reply everything in English. Rishabh, now first tell me something about your future plan. What do you want to become? Sir, I want to become an air officer. Air officer you want to be? Why? Sir, because I want to save my country. That's why. You want to save our nation? Yes. Oh, that's such a nice plan you have. Just tell me something about your friend circle. How many friends do you have? Sir, I have
four friends. Can I know their names? Yes, sir. Their name is Lucky. Okay. And Sujal and okay. Om and Hardik. Hardik, are they from your school? Yes, sir. Okay. They are from my school. In which class do you study? Sir, I study in 5th class. This year you have been promoted in 5th or in 6th? No, sir. I didn't give an exam. You did not give exam this year? Okay, yes. Means overall you are in 5th standard, yes, this year. So, here we have heard about that students are having general promotion this year due to COVID-19. So, I think you will be promoted in 6th standard this year. No, sir, but my principal was saying that you can't. You can't? Yes, sir. But you are very good. You need to actually promote it in the good next level. Okay, now I'm going to ask you more question. Just tell me something about your family. Sir, my family is very good and my parents are very best parent in the world. Okay, and what does your father do? Sir, my father is a one shopkeeper. Shopkeeper, okay. And I heard that you have a brother. Yes. What is the name of your brother? Sir, my brother's name is Soham Malviya. Soham Malviya. Yeah. What? In which class does he study? Sir, he studies in 9th class. 9th class. Yes. Oh, that's good. That's good. Now, tell me something about Khandwa city. You are from Khandwa, so you must know, yes, about Khandwa. Is it your native place? No, sir. It's not. What's your native place? Sir, my native place is Indore. Yes. Indore is your native place. Yes. And now you are living in Khandwa. Yeah. Okay, so you have to speak about little bit Khandwa that you know. Yeah. Sir, Khandwa is a one type of good city. Okay. Sir, Khandwa is a good city, but some people are bad, sir. Oh my God. Yes, sir. Some people are bad. So, sir, out of cities, people say that Khandwa city is bad. So, sir, by them people, sir, our Khandwa is not good that the people are seeing. Okay. What are the good things that you like in Khandwa? Sir, I liked in Khandwa Hanumantia and okay. Nagchun. Hanumantia and Nagchun, yes, these sir. Two visiting places you like. Yes, sir. Okay. So, last time, when did you go to Nagchun? Yes. Kab gaye the last time? Sir, last time I went to Nagchun in 2020. In 2020, in December you went. Since then you have not gone? No. Okay, chale, leave it all. Now, Rishabh, that's really appreciating performance you have given, yes, today. And now tell me the meaning of Rishabh. What does sir, it mean? Rishabh mean is a one type of Rishi, sir. That who is a very intelligent, so that's the meaning. Oh, Rishi means saint. Yes, sir. Oh, that's good. And do you watch IPL match? No, sir. There is a player named Rishabh Pant. Do you know him? No, sir. You don't watch IPL match? No, sir. You don't like it? No. Okay, so what do you watch on TV? Sir, I watch cartoon. Cartoons? Yes. Which is your favorite cartoon? My favorite cartoon is Banwood or Budwak. Banwood or Budwak? Yes, sir. Banwood and Budwak. Vanvuk and Gunvuk. Yes, sir. That's the name of the cartoon that you like. Yes, sir. Yes. Such a strange name I have heard today. Yes, sir. I've never heard this name before. Oh, leave it. And don't you watch Modu Patlu, Chota Bheem, yeah, Doraemon, Shin Chan? But sir, I don't like them much. You don't like them much. Yes. You like this Gunvuk very much. Yes, sir. Gunvuk and kya? What was the name? Sir, Banwood and Budwak. Banwook. Banwood and Budwak. Banwook and Gunvuk. Yes, sir. Oh, such a strange name it, yes, is. Sir. Okay. And I'm going to ask you more questions about your friend circle. You said that there are four best friends you have. So, are they from the same class? Are they are your senior? They are from the same class. Okay. So, don't you fight with them? No, sir. Really? Yes, sir. Okay. Okay. Chali, that's very good. It's really appreciating. And I really would say that, Rishabh, you have improved a lot from here. And I would say to you that ki ye kaafi badhiya aapne kiya. Ab ek chota sa rapid fire round ho jaye jisme main aapse puchunga sentence hindi mein fatafat aur aapko unhe english mein karna hai. Ready? Pakka? Okay. Wo ja raha hai, wo ja sakta hai, use jana chahiye, wo ja sakta hai, wo likh sakta hai, use likhna chahiye, use likhna padega, mujhe likhna padega, main likh sakta hu, kya aap likh sakte ho, kya aap likh rahe ho, ab kyun likhoge, ab kaise likhoge? आप चाहे तो इस सेशन को स्लो करके सुन सकते हैं. मेरी 100% गारंटी है ऑल द सेंटेंसेस दैट सोहन हैज ट्रांसलेटेड आर कंप्लीटली राइट. ओके गाइस, 100% श्योरिटी है क्योंकि जिस तरीके से ऋषभ को हम लोगों ने तैयार किया है, दैट परफॉर्मेंस इज रियली डायनेमिक. बहुत बढ़िया है, एक्सेलेंट.